भारत जल्द ही एक अद्भुत अंतरिक्ष कूटनीति अपनाने जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब नई दिल्ली दक्षिण एशियाई देशों के लिए 450 करोड़ रुपए की एक खास योजना से कूटनीति अपना रहा है। अंतरिक्ष में अपने लिए एक अलग स्थान बना रहा भारत इस सप्ताह दक्षिण एशिया उपग्रह के माध्यम से अपने पड़ोसियों को एक नया उपग्रह उपहार में देने वाला है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस योजना का जिक्र किया। और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं वैश्विक परिवेश में भी है और खास करके हमारे अड़ोस पड़ोस देशों के लिए भी है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का विकास भी हो। अनेक प्रकल्प चलते हैं। 5 मई को भारत दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट की क्षमता तथा इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिण एशिया के आर्थिक तथा डेवलपमेंटल प्राथमिकताओं को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगी। चाहे नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, या अधिक गहरी आईटी कनेक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल संपर्क का प्रयास हो, साउथ एशिया का ये उपग्रह हमारे पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहायक होगा। पूरे दक्षिण एशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है, अनमोल नजराना है। दक्षिण एशिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का यह एक उपयुक्त उदाहरण है। दक्षिण एशियाई देशों जो कि साउथ एशिया सैटेलाइट से जुड़े हैं, मैं उन सब का इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी बहुत है, अपनों को भी संभालिए, अपने को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।